असलम जी वेलकम टू दियू कन्सेप्ट और मैथ की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसका आज हम उसकी एक्सरसाइज वन पॉइंट टू की तरफ बढ़ रहे हैं तो उससे पहले हम कुछ कन्सेप्ट हैं वो कर लेते हैं ठीक है उसके एंड पे हम जो है इन फिर एक्सरसाइज कर लेंगे तो शुरू करते हैं जी तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेट्रिसिस के बाद मेट्रिसिस uh, की टाइप्स के बारे में कि मेट्रिसिस की कितनी टाइप्स होती हैं ठीक है थीके? तो ये हम एक तो इसमें देखेंगे अच्छा तो सबसे पहले जी रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो ना तो वो होता है आपका रो मैट्रिक्स जिसमें आपकी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं नंबर ऑफ रोज जो हैं वो क्या हो सिर्फ एक हो जैसे कि ये आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है ठीक है जो एम मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ एक ही रो है तो ये क्या होगा रो मैट्रिक्स? और अगर आपने ऑर्डर में चेक करना है रो मैट्रिक्स को तो जब आप ऑर्डर चेक करेंगे तो ऑर्डर में हमेशा पहले वन लिखा होगा वन बाई थ्री लिखा होगा ठीक है तो जिस मैट्रिक्स के ऑर्डर में वन लिखा हो शुरू में तो वो रो मैट्रिक्स होता है दूसरा है जी कॉलम मैट्रिक्स बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो तो वो क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स होता है आपको यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी दी हुई है आपको एम और एन दो मैट्रिक्स दिए हुए ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं और इसकी जो आपकी जो निशानी है ना इसको चेक करने की वो ये है कि इसका के जब आप ऑर्डर चेक करेंगे ना तो ऑर्डर के एंड पे यानी दो चीज़ें होती हैं ना ऑर्डर में पहले हम रोज़ लिखते हैं फिर कॉलम्स तो जो एंड वाला जो फिगर होगा इसका तो वो वन होगा हमेशा जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया टू बाय वन थ्री बाय वन तो ये कॉलम मैट्रिक्स हैं अच्छा नंबर थर्ड पर गए आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अच्छा जी तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें जिस मैट्रिक्स जिस का ऑर्डर जब आप लिखेंगे ना तो उसमें जो रोज़ और कॉलम की तादाद है वो क्या होंगी वो इक्वल नहीं होंगी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी यही डेफिनेशन आपको उन्होंने यहाँ पे करके दी हुई है इसको आपने पढ़ लेना है ठीक है मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M तो so M क्या यहां है यहाँ पे मैट्रिक्स है डेफिनेशन में अब यहाँ पे जितने भी आपको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इसमें अगर आप इसका ऑर्डर ऑफ़ फाइंड करें जैसे कि हम कर चुके हैं तो इसमें यानी कि ये पहला जो है इसका ऑर्डर क्या होगा कितने रोज है इसके अंदर 3 हैं तो यह आ जाएगा 3 बाई 2 अब आप देखें कि इसके ऑर्डर में जो रोज़ और कॉलम्स हैं उनकी जो नंबर हैं वो दोनों एक जैसे नहीं हैं तो जिसमें जिस ऑर्डर में, और, जिस में मैट्रिक्स के ऑर्डर में नंबर एक जैसे ना हो ना रोज और कॉलम के तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा वो आपका कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक अच्छा तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास जी स्क्वायर मैट्रिक्स अब स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो इससे बिल्कुल उल्ट है इसमें यह होता है कि जो नंबर ऑफ रोज़ होंगी ना आपकी और नंबर ऑफ कॉलम वो दोनों बराबर होंगी उसको हम चेक भी कर लेते हैं इसमें देखिए जी इसमें आपके पास रोज कितनी है दो है टू बाय और कॉलम कितने दो हैं तो टू इक्वल आ गए ना इसमें अगर आप देखें तो इसमें रोज कितनी है आपके पास मैट्रिक्स बी में आपके पास थ्री रोज हैं और थ्री ही आपके पास कॉलम है तो ये भी दोनों इक्वल आ गए नंबर तो इसीलिए ये कौन से मैट्रिक्स है ये स्क्वेयर मैट्रिक्स है अब ये जो सी है मैट्रिक सी जो आपको दिया हुआ यहाँ पे एग्जाम्पल में ये भी आपका Uh, कौन सा मैट्रिक्स है ये स्क्वेयर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें आपकी रोज भी वन है और आपके कॉलम्स भी वन है अगर आप इसको देखें ये देखें एक रो है और एक कॉलम है ठीक है जी यही चीज आपको नीचे उसने बताई हुई है मैं आपको करवा रहा हूँ उर्दू में इंग्लिश में आपने इसको डेफिनेशन को देख लेना है अच्छा नेक्स्ट जो आपका आ गया है मैट्रिक्स वो है आपका नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स इसको भी कहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी साथ साथ हो रही है तो ये वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें आपके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना या जितनी इंट्रीज होती हैं किसी भी मैट्रिक्स में इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता यानी किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो अगर उसकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं यानी आप देख रहे नीचे एग्जाम्पल्स में सारे जीरो है ना तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं ठीक है ठीके? ओके जी नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है बहुत अहम कंसेप्ट है आप उसको गौर से देख लें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है यानी अगर आपके मैट्रिक्स है और वो लिखा ऐसा हुआ है आपको मैं यहां मिसाल से समझाता हूँ जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है ये वाला आपको दिया हुआ है ठीक है अब इस ए में देखें आपको जो यहाँ पे कितनी रोज हैं आपकी यहाँ पे तीन रोज़ हैं पहली रो दूसरी रो और तीसरी जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ रो में लिखी होती है ना हम उसे कॉलम में लिख देते हैं अब यहाँ आप देखें ये रो में लिखी हुई चीज़ वन टू थ्री तो लिखी है ना जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम इसे यू लिखेंगे ठीक है यानी पहली रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगा उसके बाद ये जो दूसरी रो है वो आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा और जो आपकी तीसरी रो है वो आपका तीसरा कॉलम बन जाएगा बहुत ही आसान है कोई मुश्किल नहीं है ठीक है सिर्फ आपने जो रोज आपकी लिखी हुई है ना अब यहां पर आप गौर से देखें ये इस ऑर्डर में लिखी हुई है वन टू थ्री तो इसको आपने इस ऑर्डर में लिख देना यानी हॉरेजेंटल से वर्टिकल में चेंज कर देना और ये हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं लेक्चर नंबर वन में ठीक है हॉरेजेंटल और वर्टिकल का तो आई होप सो आपकी यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी मैट्रिक्स बी को भी देख लेते हैं हम इसको इसको भी अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको देखें ये रो आपकी है इसको उसने कै, कैसे लिख दिया कॉलम में लिख दिया अभी जो दूसरी रो है उसको उसने दूसरे कॉलम में लिख दिया ठीक है तो ये आप चीज को गौर से देख लें इसमें ये होता है कि जो रेक्टेंगुलर आपके जो मैट्रिक्स होते हैं ना जिनके रोज uh, और कॉलम्स uh, जो है वो बराबर नहीं होते तो जस्ट वो उनका ऑर्डर जो होता है वो स्विच हो जाता है यानी अगर एक जैसे यहां पे मैट्रिक्स ए है आप ये वाला मैट्रिक्स ए देखें तो यहां पे अगर आप देखें इसका ऑर्डर जो है वो क्या है थ्री बाय थ्री है तो ये आपका स्क्वेयर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके ऑर्डर नंबर इक्वल है अब आप अगर इसका ट्रांसपोज ले भी लेना तो इसका ऑर्डर सेम ही रहेगा क्योंकि ये वाला थ्री उधर हो जाएगा और दूसरे वाला थ्री उसकी दोनों एक जो एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे लेकिन जब आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जैसे कि ये है मैट्रिक्स बी इसमें देखें आपकी रोज कितनी है आपकी रोज यहाँ पे टू है ना और कॉलम्स कितने हैं आपके कॉलम यहाँ पे आपके तीन है तो इसका ऑर्डर ये है टू बाई थ्री है लेकिन जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो इसका जो ऑर्डर uh, है वो भी चेंज हो जाएगा यानी आपकी रोज़ बन जाएंगी थ्री और कॉलम्स आपके हो जाएंगे टू तो ये एक अहम चीज है इसको आपने देख लेना है यही उसने यहां आप पे आपको एक मिसाल दी है ए की अगर आपका एक मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर जो है टू बाई थ्री है जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर जो है वो थ्री बाय टू हो जाएगा ठीक है जी ओके तो नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स यानी किसी भी मेट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है अगर आपने किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है ना अच्छा एक चीज़ हम ऊपर यहाँ मिस कर गए हैं कि ट्रांसपोज जब भी आप किसी मैट्रिक्स uh, का लेंगे ना अगर आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो आपने उसको डिनोट कैसे करना है यानी लिखना कैसे रिप्रेजेंट कैसे करना है आपने उसको आपने ए पावर स्मॉल जो टी यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह आपने उसको ट्रांसपोज को डिनोट करना होता है जैसे कि इसने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखे ना ये uh, किया हुआ उसने आपके पास ये आपके पास ए मैट्रिक्स है अब जब वो उसका ट्रांसपोज लेगा तो वो यहाँ पे उसको लिख देगा ए पावर टी ठीक है इसका मतलब ये है कि इसने जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लिया है इसकी नेगेटिव की अभी पढ़ने लगे थे डेफिनेशन तो नेगेटिव किसी भी मैट्रिक्स का जो होता है ना तो उसमें ये होता है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अंदर हैं उनके हमने साइन जो है चेंज खड़े होते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर एक मैट्रिक्स ए है आपको एक सपोज करवाया जा रहा है, कि है जब हम उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे ना तो हम उसको रिप्रेजेंट uh, कैसे करेंगे लिखेंगे कैसे इसको लिखने का तरीका यह है कि हम उस मैट्रिक्स uh, के नेम के साथ माइनस लगा देंगे ठीक है पहली बात तो ये हो गई जब हम उससे सॉल्व करेंगे तो हम जैसे ये आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है आप गौर करें तो यहाँ पे अगर आप आपके पास जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ना देखें इस एग्जांपल में वन माइनस टू थ्री फोर जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो उसकी जितनी भी एलिमेंट्स हैं जितनी भी एंट्रीज हैं हम उनके साइन चेंज कर देंगे यानी वन है तो ये माइनस वन हो जाएगा अगर माइनस टू है तो उसको प्लस टू कर देंगे अगर थ्री है तो उसको माइनस थ्री कर देंगे फोर है तो उसे माइनस फोर कर देंगे तो ये आपका क्या आ गया मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया ओके okay, जी नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि सबसे पहली तो बात ये है कि आपका मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होना चाहिए सबसे पहली शर्त है स्क्वायर का मतलब आपको पता है ना कि रोज और कॉलम्स उस मैट्रिक्स की इक्वल होनी चाहिए अच्छा ए स्क्वेयर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक ये पहली शर्त है इसकी अच्छा वो इक्वल कब होगा अगर जब हम किसी स्क्र मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसके ट्रांसपोज लेने के बाद हम उसे देखें तो हमें यही पता चले या वो जो जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है जिस मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज वो उसके बराबर होए बहू उस जैसा ही हो ठीक है तो वो ऐसे जो मैट्रिक्स होंगे उन्हें हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं अब डेफिनेशन से तो आपको समझ नहीं आया होगा इतना तो मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ अब यहाँ पे एग्ज़ैम्पल आप देख लें ये वाली पहली एग्जांपल इसमें अगर आप गौर करें तो आपके पास एक जो यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स है आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है अब इसका ट्रांसपोज हम ले लेते हैं देखें ये जो वन टू थ्री लिखा हुआ है इसको हम कैसे लिख देंगे ऐसे लिख दिया हमने वन टू थ्री करके लिख दिया अब ये टू माइनस वन फोर है इसको हम यू लिख देते हैं टू माइनस वन फोर और ये थ्री फोर जीरो है इसको हम यू लिख देते हैं थ्री फोर जीरो हमने लिख दिया जी अब आप एक गौर करें चीज को अगर आप देखें तो आप इस मैट्रिक्स को और इसको दोनों को देखें तो दोनों एक जैसे नहीं लग रहे हालांकि हमने जो आ, मैट्रिक्स एम है उसका ट्रांसपोज ले लिया लेकिन फिर भी वो एम जैसा ही दिख रहा है तो ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं ना जिनका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही रिटर्न हो जाए या वही मैट्रिक्स हमारे सामने आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है तो ये जो है सिमेट्रिक नहीं है ये आपने इसको एग्जाम्पल को ख़ुद देख लेना है ठीक है अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने मुझसे पूछ लेना है वैसे इसमें कोई मुश्किल नहीं है आप इसका ट्रांसपोज लें तो ये ट्रांसपोज इसका आएगा और आप देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो इसलिए ये कौन से मैट्रिक्स नहीं होंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होंगे नेक्स्ट है जी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होती है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं ठीक है और जब हम इनका ट्रांसपोज लेते हैं ना तो वो उस जैसे हो नहीं होते लेकिन वो उस मैट्रिक्स के जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं ठीक है, है? यह आपने बात याद रखनी है आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ अब आप देखिए यहाँ पे ये आपके पास एक मैट्रिक्स है हम इसका पहले ले लेते हैं नेगेटिव ठीक है यहाँ पे हम नेगेटिव लें जीरो का जीरो ही आएगा टू का क्या आएगा माइनस टू थ्री का क्या आएगा माइनस थ्री माइनस टू का आएगा टू ज़ीरो का जीरो आएगा वन का क्या आ जाएगा माइनस वन और माइनस थ्री का क्या आ जाएगा थ्री माइनस वन का क्या आ जाएगा जीरो और जीरो का जीरो क्लियर है जी यहाँ तक ये हमने वैसे क्या ले लिया इसका ये हमने ले लिया इसका नेगेटिव नेगेटिव के बाद हमने इसको ऐसे लिखना होता है ठीक है नेगेटिव ए अच्छा अब ये तो हमने काम कर लिया अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज ये इन्होंने लिया हुआ है पहले से आप देख लें इसको अब ट्रांसपोज में क्या किया ये जीरो टू थ्री है इसको कॉलम में लिख दिया ये माइनस टू जीरो वन है इसको कॉलम में लिख दिया ये माइनस थ्री माइनस वन जीरो है इसको भी कॉलम में लिख दिया ये भी लिख लिया हमने जब हमने ये सब कर लिया काम अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मैंने ये जो हमने किया था ना ये वाला ये जो हमने माइनस नेगेटिव जो मैट्रिक्स लिया था अब हम इसको और ये वाला जो मैट्रिक्स है जो उन्होंने ट्रांसपोज लिया इसको आप इन दोनों को गौर से देखें तो ये दोनों इक्वल ही है ना एक जैसे ही हैं ठीक है थीके? तो ये एक जैसे अगर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का ट्रांसपोज हमने लिया वो उसके नेगेटिव ए के अगर इक्वल है तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ओके नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है डायगनल मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं एक गौर से आपने देखना है वो ये होते हैं स्क्वेर मैट्रिक्स ही हैं ठीक है ये आपने बात पक्की याद रखनी है स्क्यर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होती हैं ठीक है ठीके? अच्छा वो आ, किसी कोई भी स्क्वेयर मैट्रिक्स डायगनल कब कहलाएगा यानी कौन सी शराय है जिसपे वो डायगनल कहलाएगा सबसे पहली शर्त तो ये है कि इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द दाइगनल इज नॉट ज़ीरो यानी डायगनल क्या होता है यानी अगर ये मैट्रिक्स ए आपके पास तो इसका डायगनल जो है ना वो ये वाली ये ये, ये जो लाइन लग रही है ना ये डायगनल है इसका ठीक है ये ये डायगनल होता है ऊपर से नीचे की तरफ जो हम ये लाइन लगाएंगे ये डायगनल है अब यहाँ पे जो भी एंट्रीज होंगी वो ये कह रहा है आपको डेफिनेशन में वो क्या होनी चाहिए जी उनमें से एक यानी ये तीन यहाँ पे है ना हमारे पास वन टू और थ्री इनमें से कोई एक भी अगर जो है वो जीरो जीरो के अलावा हो यानी सारी जीरो ना हो ज़ीरो के अलावा हो तो फिर हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है डायगनल मैट्रिक्स है लेकिन इसकी दूसरी शर्त भी है हम वो मिस कर गए दूसरी शर्त इसकी ये है कि एक तो उसकी जो ये जो डायगनल में एंट्रीज हैं वो उन तीनों में से या जितनी भी एंट्रीज हैं कम अज कम एक जो है वो क्या हो ज़ीरो के अलावा हो नॉन ज़ीरो हो और इतनी एंट्रीज है ना उस डायगनल में वो सारी जीरो हो ये चीज़ आपने गौर से देखनी है ठीक है ये देखें ये भी जीरो है, है, ये जीरो यानी डायगनल के अलावा जितनी एंट्री है वो सारी जीरो हों अभी आप इसमें देख लें मैट्रिक्स बी में इसमें भी, इस भी ऐसा ही है ये देखें यानी डायगनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज है ना वो जीरो हैं, ये देखें समझ आ रही है आपको बात लेकिन यहाँ पे आप ये एक और करें कि देखें यहाँ पे जो डायगनल है उसमें वन टू थ्री तमाम की तमाम नॉन जीरो एंट्रीज हैं इट्स ओके okay. इसमें आप देखें इसमें अब एक ज़ीरो आ गया तो इसकी खैर है कोई बात नहीं लेकिन कम से कम एक जो एंट्री है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए नॉन ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो नहीं होनी चाहिए अगर इस डायगनल में यहाँ पे ये तीनों एंट्री ज़ीरो होती ना तो फिर हम कहते हैं कि ये डाइग्नल मैट्रिक्स नहीं है ठीक है तो दो शर्तें इसकी पहली कि ये जो डायगनल है जो मैंने मार्क किए हुए हैं इनके अंदर कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और दूसरी जो शर्त है उसकी ये है कि उसके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो वो ज़ीरो होने चाहिए ठीक है तो ये डायगनल की शर्त है ये या आपने याद रखनी है चीज़ आपको यहाँ पे नीचे एम और एन भी दिए हुए हैं मैट्रिक्स इनको भी चेक कर लें ये दोनों भी जो है वो डायग्नल मैट्रिक्स हैं और इनका ऑर्डर जो है वो क्या है टू बाई टू है Okay, जी next है हमारे पास scalar matrix. Scalar matrix क्या होता है बिल्कुल, diagonal matrix ही होता है है बिल्कुल ही ये की इसकी definition है. ऐसा, diagonal matrix, आ, हम उसे scalar matrix कह सकते हैं कि जिसमें अब ये बात समझने वाली है कि जिसमें ऑल द डायनल एंट्रीज आर सेम यानी डायगनल पोजिशन पे जितनी भी एंट्रीज हो वो सारी एक जैसी हो तो हम उसे कहेंगे कि वो स्केलर मैट्रिक्स होगा और उसे डायगनल मैट्रिक्स होना चाहिए यानी एक तो यहाँ पे जितनी एंट्रीज है वो सेम हो और बाकी जितनी इसके अलावा एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हो ये शर्त है स्केलर मैट्रिक्स की समझ आ रही है बात ये सारी जीरो अगर इन ये जो तीन ये जो तीन डायगनल में जो एंट्रीज अगर ये तीनों डिफरेंट हो ना एक दूसरे से तो फिर हम ये कहेंगे कि ये डायगनल मैट्रिक्स है अगर ये तीनों एक जैसी हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है समझ आ गई है तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली डाइगलर मैट्रिक्स की क्या है एक टाइप है तो ये आपने इसको याद रखना है ठीक है जी यहाँ पे इसको हम चेक भी कर लेते हैं जैसे आपको यहाँ पे ए दिया हुआ है मैट्रिक्स इसमें देखिए तीनों जो एंट्रीज हैं वो टू है ठीक है बाकी सारी जीरो हैं यहां पे आप बी में देख लें मैट्रिक्स में दोनों जो है वो थ्री हैं बाकी जीरो हैं और जो सी है ये भी स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि ये इसका जो ऑर्डर वन बाय वन है तो ये फाइव जो है एज ए डायगनल कंसिडर होगा ठीक है जी ओके okay जी नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको हम देख लेते हैं जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो डायगनल मैट्रिक्स होते हैं पहली शर्त तो इसकी है कि वो ये डायगनल मैट्रिक्स होने चाहिए ठीक है ये आपने बात याद रखनी है अच्छा दूसरी शर्त इसकी ये है कि इसके जो जितने भी डायगनल पोजीशन पे जितनी भी एंट्रीज है ना वो सारी वन हो ये देखिए वो क्या हो वन हो ऑल डायगनल एंट्रीज आर वन तो तब हम कहेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ना हम आई से कैपिटल आई से क्या करते हैं डिनोट करते हैं ठीक है यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल में आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है ये बाय ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी तमाम डायगनल की एंट्रीज जो है वो वन है और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे इसलिए कहते हैं कि इस मैट्रिक्स के साथ आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई जब आगे जाके आप सीखेंगे ना तो मल्टीप्लीकेशन जब भी करेंगे ना तो रिटर्न में आपके पास क्या आएगा यही मैट्रिक्स जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो रिटर्न हो जाएगा ठीक है तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं और अब हम चलते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करें अगर वो चीज पूछें नहीं आपको समझ नहीं आ रही तो ठीक है अच्छा जी क्वेश्चन नंबर वन है हमने जो जितने भी नीचे मैट्रिक्स दिए हुए हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स हमने क्या क्या आइडेंटिफाई करना है एक तो यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से यूनिट कौन से हैं उसके बाद हमने रो मैट्रिक्स जो है ना आइडेंटिफाई करने हैं रो कौन से हैं और कॉलम है, है, मैट्रिक्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कौन कौन से हैं और इसके अलावा नल मेट्रिक्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि नल मेट्रिस मेट्रिस कौन कौन से हैं ठीक है ठीके? तो बहुत ही आसान है जी हम डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं तो मैं सिर्फ जो है ना उनके आ, सामने उनका नाम लिखता जाऊँगा ठीक है

ये देखें आपके पास कॉलम एक है ना तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स होगा ये होगा आपका कॉलम मैट्रिक्स क्लियर है जी उसके बाद आगे आपका चौथा डी डी में अगर आप देखें गौर से तो आप एक चीज देखेंगे कि डायग्नल में वन है ठीक है डायग्नल में क्या है आपके वन है तो ये और बाकी जो है जीरो है तो ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेकिन यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कह रहे हैं कहीं लिखा ही नहीं हुआ सर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ना गौर से अगर आप देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं ठीक है तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यूनिट मैट्रिक्स क्लियर है जी उसके बाद आपका आ गया ये ई आ गया अगर आप ई गौर से देखें तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा इसके अंदर तो जो एंट्रीज है वो जीरो है ना तो ये आपका नल मैट्रिक्स भी होगा अब आपने बात गौर से समझनी है ये नल मैट्रिक्स भी है इसमें क्योंकि रो जो है वो एक है तो ये रो मैट्रिक्स भी है और इसमें चूंकि कॉलम भी एक है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है ठीक है आई होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी ये तीनों डेफिनेशन इस जो ये वाला जो ई वाला जो है आपका मैट्रिक्स इस पे ये करेक्ट साबित होती हैं तीनों डेफिनेशन है, नल की भी रो की भी और कॉलम की भी ठीक है उसके बाद जो आखिरी है हमारे पास यहाँ पे एफ आप इसको समझ ही गए होंगे कि ये भी कौन सा मैट्रिक्स है ये कॉलम मैट्रिक्स है ठीक है ये भी कॉलम मैट्रिक्स है ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स है क्लियर हो गया जी जी तो नेक्स्ट हमारा तो जो क्वेश्चन है उसमें वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिस आइडेंटिफाई तो उसके स्क्वेयर uh, मैट्रसेस कौन से होते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिस कौन से हैं रो कौन से हैं कॉलम कौन से हैं नल कौन से हैं और आइडेंटिटी मैट्रस कौन कौन से हैं तो ये हमने आइडेंटिफाई करने हैं इसमें से जितने भी आपको दिए हुए हैं ठीक है तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे आ रहा है ये आपका इसको गौर से देखें तो इसका ऑर्डर क्या इसका है इसका ऑर्डर है टू बाई थ्री तो जिस आ, में जिस ऑर्डर में कॉलमर्स और रोज एक जैसी ना हो तो उन्हें हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ठीक है उसके तो अलावा ये आप दूसरा देखें तो इसमें आपके पास कॉलम कितने हैं आपके पास एक कॉलम है तो ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स इसके अलावा ये देखें इसमें अगर आप ऑर्डर देखें तो आपके पास ऑर्डर क्या है ये टू बाई टू का ऑर्डर है ना देखें गौर से तो टू बाई टू का ऑर्डर है तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे जिस मैट्रिक्स uh, में ऑर्डर जो है रोज़ और कॉलम एक जैसी हो इक्वल हो उनकी तादाद तो हम उन्हें कहते हैं स्क्वेर मैट्रिक्स ठीक है उसके बाद आपका यह आ गया इसमें आप दोबारा डैगनल आपका आ गया वन वन और जीरो जीरो तो ये uh, आपका कहलाएगा कौन सा मेट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स अच्छा जी नेक्स्ट आपका ये जो आ गया है इसमें अगर आप दोबारा ऑर्डर देखें तो आपके पास रोज कितनी है तीन रोज आपके पास और आपके पास जो कॉलम है वो दो हैं ठीक है तो इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर है रेक्टेंगुलर ओके नेक्स्ट आपका जो छठे नंबर पे है ये भी आपका रेक्टेंगुलर है अगर आप उसको गौर से देखें तो ठीक है तो ये भी आपका कौन सा है रेक्टेंगुलर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपने पूरा लिखना है सही है जब आपका अगर क्वेश्चन आ, आ जाता है आपका उसके बाद ये जो है इसमें अगर आप देखें अच्छा ये जो है ना इस पे डेफिनेशन दूसरी जो एम्प्लाई होती है वो रो मैट्रिक्स की भी होती है ठीक है क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है इसी तरह ये वाला देखने इसमें कॉलम एक है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है ठीक है जी क्लियर है उसके बाद आप ये देख लें तो इसमें ऑर्डर आप देखें तो आपका ऑर्डर जो है वो है थ्री बाय थ्री का यानी रोज भी तीन है और कॉलम्स भी तीन है तो ये आपका कौन सा कहलाएगा जिसमें रोज़ और कॉलम्स एक जैसी हों तो वो होता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसके अलावा ये जो आपका लास्ट वाला है ना इसमें देखिए सारी एंट्रीज जो है वो जीरो है सारी एंट्रीज ज़ीरो है तो जिसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो हो तो वो क्या कहलाता है नल मैट्रिक्स ठीक है तो ये चीज़ें आपने इसको चेक कर लेने। ओके नेक्स्ट है जी फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रसेस आइडेंटिफाई क्या क्या आइडेंटिफाई करना है डायगनल एक तो डायगनल हमने देखने है कि कौन से हैं स्केलर कौन से हैं उसके अलावा यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रेस कौन कौन से हैं तो ये तीन किस्म के हमें इसमें आइडेंटिफाई करने जितना आपको आइडेंटिफाई का काज है आपने वही वाले आइडेंटिफाई करने होते हैं तो लेट्स uh, सी इसको चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर देखें सबसे पहले वाले में हम चेक करते हैं कि डैगनल में जो है ये डैगनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके जो नॉन डैगनल एरियाज हैं वो है। जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं इसके अलावा जो डैगनल एरिया जो इंट्रीज हैं उसमें कम से कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो है तो ये डैगनल की उसमें तो आता है लेकिन आप एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर डायगनल में ये जो वैल्यूज हैं एंट्रीज हैं वो सेम हो तो वो क्या कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है ठीक है अगर यहां पे वन होता ना जैसे यहां पे वन है आप गौर करें तो अगर ये वन होता तो फिर हम कहते हैं कि ये आ, कौन सा है जी आइडेंटिटी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है लेकिन अगर ये वन के अलावा कुछ भी हो और सारे हो भी सेम यानी डायगनल पोजिशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम भी हो और वन ना हो तो हम उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स ठीक है और इसी तरह जो बी का है उसे भी देख लें इसमें अगर आप देखें तो डायगनल वाली शर्त तो पूरी हो रही है क्योंकि नॉन डायगनल एरिया जीरो है और डायगनल पे सारे जो है ना नॉन जीरो कम अज कम एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है जब ये सेम नहीं होंगे ना तो फिर हम इन्हें सिंपली क्या कहेंगे कि ये डायगनल है ये डायगनल मैट्रिक्स है क्लियर है जी ओके okay. उसके अलावा जो ये नेक्स्ट uh, डी है डी पे अगर आप देखें तो ये डाइगनल uh, में एक जो एंट्री है वो नॉन ज़ीरो है एक तो ज़ीरो है इसको छोड़ दें कम से कम एक हमें चाहिए होती है तो वो नॉन ज़ीरो है ठीक है तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं और कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स uh, है ये डाइग्नल है साथ साथ मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ठीक है अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट में आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको इसमें आप फाइव माइनस टू करेंगे तो क्या आएगा आपके पास मैं इसको यहाँ कर देता हूँ फाइव माइनस थ्री करेंगे तो क्या आएगा टू आएगा उसके बाद जीरो आ जाएगा और यहाँ नीचे भी जीरो आ जाएगा और वन प्लस क्या आता है टू आता है ठीक है तो ये आपका कौन सा बन गया डायगनल तो है ठीक है डायगनल तो है लेकिन डायगनल के, के होने के साथ साथ इसके अगर आप एलिमेंट्स देखें तो वो भी सेम है तो जब सेम एलिमेंट्स वाली कहानी आ जाएगी तो हम कह सकते हैं और हम कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स है ठीक हो गया जी क्योंकि इसकी जो इंट्रीज है ना वो ये वाली ये जो एंट्रीज हैं ये दोनों सेम आ गई जब ये दोनों सेम आ गई तो हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है Uh, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी तो अब आपका ज़रा मैं टेस्ट भी लेना चाह रहा हूँ तो ये देखिए फाइन नेगेटिव ऑफ मेट्रिस अब मैं आपको इसमें से ये जो दो हैं ये करवा देता हूँ बाकी जो ऊपर तीन बहुत आसान है वो आपने मुझे खुद करके देने हैं ठीक है थीके? और आपने ख़ुद कर लेने हैं अगर आपको नहीं समझ आती फिर आपने मुझे बताना है तो पहले हम डी करते हैं जी तो डी में क्या है इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसका हमने लेना है नेगेटिव नेगेटिव का ये होता है तरीका कि आपने अगर डी का नेगेटिव ले रहे हैं तो आप लिखेंगे माइनस डी इक्वल्स टू और आपने जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनकी आपने सिर्फ जो है ना क्या चेंज कर देनी है उनकी साइन यानी ये माइनस थ्री है ना तो इसको मैं लिख देता हूँ थ्री अगर ये टू है तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस टू ठीक है अगर ये माइनस फोर है तो मैं इसको लिख देता हूँ फोर अगर ये फाइव है तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस फाइव तो ये जी नेगेटिव आ गया किसका नेगेटिव आ गया ये आपका डी का नेगेटिव आ गया ठीक है ये किसका नेगेटिव है डी का नेगेटिव जो मैट्रिक्स है वो ये आ गया सही है ओके अब नेक्स्ट मैं आपको करा देता हूं ई e वाला ई e वाला भी देख लें ये ई e आ गया आपके पास ओके जी ई e का नेगेटिव मैट्रिक्स करने से पहले हम क्या करेंगे उसको डिनोट करेंगे माइनस ई e से ये आपने पक्का आपने याद रखना है पेपर में करते वक्त और अब हम इसकी जो जितने एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे तो वन है पहला तो हम कर देंगे माइनस वन दूसरा माइनस फाइव है तो उसे हम कर देंगे फाइव दूसरा टू है तो उसे कर देंगे माइनस टू तीसरा थ्री है तो हम उसे कर देंगे माइनस थ्री ठीक है तो बाकी ये तीन जो है अब आप आसानी से कर सकते हैं और मुझे पता है कि आप कर सकते हैं अच्छा जी तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी तो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच फॉलोइंग मेट्रेसेज तो ये जितने भी मेट्रेसेस हैं उनका हमने ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज में आपको यहाँ पे करवा देता हूँ वन बाई वन तो पहले हम चेक कर लेते हैं ए का तो ए का जो ट्रांसपोज है अगर आप यहाँ से यहाँ पे देखें गौर से तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है देखें जीरो वन टू ये हमारे पास आ, पहला एक कॉलम है ना तो कॉलम में लिखा हुआ है तो जो हमारी रोज होती हैं हमने उनको कॉलम्स में लिखना होता है जो कॉलम्स होती हैं उनको हमने रोज में लिखना होता है तो हम ये जो कॉलम है हम इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा इसका ए का ट्रांसपोज हो जाएगा नेक्स्ट है हमारे पास बी अब ये रो में लिखा हुआ है तो उसको हम कॉलम में लिख देंगे तो सिंपली इसको हम यू लिख देंगे बी का ट्रांसपोज इस तरह होगा उसके बाद आपका आ जाता है सी सी का आप यहाँ पर देखें मैंने आपको करके दिया हुआ है अगर आप गौर से देखें तो सी में ये क्या किया क्या किया है मैंने कि जो आपका ये जो ये जो आप कर्सन मेरा देख रहे हैं ना यानी आपकी जो रोज है यानी पहली रो वन टू है तो वन टू को मैंने कॉलम में लिख दिया यहाँ पे वन टू उसके बाद टू माइनस वन है उसको मैंने कॉलम में लिख दिया टू माइनस वन और थ्री ज़ीरो जो रो है उसको मैंने कॉलम में लिख दिया थ्री ज़ीरो ठीक है इसके अलावा डी आपका आ गया डी को देख लें डी में भी मैंने ऐसे कि आपके कॉलम में था ना रो में था ना टू थ्री ये देखें टू थ्री है ना तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया टू थ्री रो में इसी कॉलम में इसी तरह ज़ीरो फाइव जो रो है उसको मैंने यहाँ पे कॉलम में लिख दिया और इसी के, इसी के इसी के साथ अगला जो है वो भी देख लें ई e में यह है कि आपको यहाँ पे टू थ्री दिया हुआ है तो उसे मैंने यहाँ पे कॉलम में लिख दिया टू थ्री फिर रो में आपके पास है माइनस फोर फाइव इसे मैंने कॉलम में अगले कॉलम में लिख दिया माइनस फोर फाइव ठीक है तो ये आपने इस तरह से जब भी आपने ट्रांसपोज लेना अपने रोज को आ, लिख देना है आपने कॉलम में ठीक है तो अब यहाँ पे पहली रो वन टू है तो उसको कॉलम बना दें वन टू और पहली दूसरी रो थ्री फोर है तो उसको दूसरा कॉलम बना दें थ्री फोर ठीक है तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी अच्छे से ठीक है तो अब हम आखिरी सवाल करेंगे और वीडियो का एंड करेंगे अच्छा तो जी हमारी वीडियो का आज ये आखिरी सवाल है इसको हम सॉल्व करेंगे आ, हमने वेरीफाई करना है अगर मैं दो मैट्रिक्स दिए हुए ए और बी तो हमने एक तो पहली शर्त ये वेरीफाई करनी है ठीक है ये इसको सॉल्व करेंगे और बी ये ये आपने खुद सॉल्व करना है आपको मैं ये एक ए करवा रहा हूँ आपने खुद सॉल्व करके आ, मुझे कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आपने पूछ लेनी है क्योंकि मैथ जो है वो हमेशा प्रैक्टिस से आती है तो इन प्रैक्टिस करेंगे ना जैसे मैं बता रहा हूं तो ये आपको कोई इशू नहीं होगा करने में ठीक है और आपके जो हैं वो भी आ, इंप्रूव हो जाएंगे और आ, मजबूत हो जाएंगे ठीक है तो पहला हम करते हैं जी ए वाला अच्छा इसमें ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो इसमें सोल्यूशन ये है कि इसकी जो दो साइड्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ना हमारे पास तो हम क्या करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये है, लेफ्ट हैंड साइड है ना ये वाली यहाँ पे आप इसको गौर से अगर देखें तो ये देखें ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है अगर आप उस पर गौर करें और इसके अलावा जो आपकी ये वाली साइड है ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये है कि हमने पहले जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसका हमने ट्रांसपोज लेना है और इसका ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा उसका ट्रांसपोज लेना है ठीक है अगर आप इस पर गौर करें तो ये देखें ठीक है एक का पहले हमने ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद दोबारा हमने जो है ना ट्रांसपोज लेना है तो तब जाके जो है ना हमारा जो है ना काम होगा आगे तो यहाँ पे हमने इसका यहाँ पे ट्रांसपोज मैंने ले लिया एक अगर आगर आगर आप देखें तो ये देखें ये मैंने एक का ट्रांसपोज यहाँ पे ये यह पहले मैंने ए लिख दिया था और उसके बाद मैंने उसका ट्रांसपोज लिया ट्रांसपोज में क्या किया मैंने कि जो उसकी रोज है उनको मैंने कॉलम्स में लिख दिया ठीक है ये देखें ये इसकी रो है ना रो वन और ये टू तो उसको मैंने कॉलम में लिख दिया पहले यहाँ पे ये यह कॉलम वन और ये कॉलम टू मैंने कर दिया ठीक है आई होप सो आपको समझ आ रही होगी उसके बाद आ, क्या है कि हमारे पास जो ये एक ट्रांसपोज आ गया ना अब हमने क्या करना है कि इस ट्रांसपोज का हमने दोबारा से ट्रांसपोज ले लेना है यानी ये आ, वन जीरो है ना तो इस वन जीरो को दोबारा इस रो को हमने कॉलम में लिख दिया और टू वन को रो को दोबारा हमने कॉलम में लिख दिया तो अब अगर आप इस एक हमने दो दफ़ा ट्रांसपोज लिया तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर आया वो बिल्कुल ए जो हमारा जो मैट्रिक्स है उसके इक्वल है ठीक है तो राइट हैंड साइड पे हमारा ए था तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि सो इट इज़ प्रूव्ड दैट कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ठीक है यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स का दो दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं ना तो दोबारा हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है बेसिकली इसमें यह करना है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर टू बहुत ईजी है इसको आपने खुद कर लेना है तो आई होप सो आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री करेंगे तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़ वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें कमेंट करें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो अपने और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में